हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में, और कहने को तो बस एक गाना ही है लेकिन इसके बोल सलमान खान पर एकदम फिट बैठते हैं। और सलमान खान अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर हमेशा से वो चर्चाओं में बने रहते हैं और उनकी लव लाइफ हमेशा से लाइमलाइट में रही है। और सलमान खान ने सोमी अली से लेकर संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ जो तक को डेट किया है, और रिश्ता नहीं चला तो ब्रेकअप ही हो गया। लेकिन जिस एक्ट्रेस के साथ ब्रेकअप के कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा है वो है ऐश्वर्या राय। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप इतना गंदा हुआ था कि दोनों ने जो कि आज तक ना तो किसी फिल्म में एक साथ काम किया और ना ही वो एक दूसरे से टकराते हैं। सलमान ने जो कि तब सलमान खान पर जो कि शोषण से लेकर मारपीट तक के आरोप लगाए थे, लेकिन सलमान खान ने सभी आरोपों से इनकार किया। और यहां तक एक जो कि इंटरव्यू में सलमान खान ने ऐश्वर्या का नाम लिए ही बिना कहा था कि अगर वो मारते तो एक्ट्रेस बचती नहीं। आप लोगों को बता दें जो कि थोर बैग जो कि सर थर्ड डे जो कि सीरीज में सलमान खान ऐश्वर्या राय के उसी रिश्ते और ब्रेकअप की जो कि कहानी बताते जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता रहे हैं कि ऐश्वर्या ने सलमान खान पर ब्रेकअप के बाद क्या क्या आरोप लगाए थे और एक्टर ने उन पर क्या कहा था। आप लोगों को वही बता दें जो कि के दशक में सलमान खान ऐश्वर्या के एक्स के चर्चे खूब आम थे और दोनों अक्सर जो कि नज़र आते थे। और फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर उनका प्यार और जो कि परवान चढ़ चुका था। सलमान और ऐश्वर्या के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों 2 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और पर 2001 में उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद सलमान और ऐश्वर्या जो टांडो मचाए वो सभी ने देखा, ये हम सब जानते हैं। और वहीं जो कि रिपोर्ट के मुताबिक जो कि नवंबर 2001 में सलमान देर रात ऐश्वर्या के अपार्टमेंट के बाहर पहुँचे और दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से जो कि मारने लगे और सलमान ने घर के अंदर जाने की जो कि जिद कर रहे थे लेकिन ऐश्वर्या गेट नहीं खोल रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब सलमान खान ने ऐश्वर्या को जो कि खुदकुशी करने की भी धमकी दी और दी डाली थी और सुबह के 3 बजे तक सारा ड्रामा चलता था। और बताया जाता है कि सलमान ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे और इसी को लेकर वह एक्ट्रेस से वादा जो कि चाह रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या जो कि तब इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। तब बात और बिगड़ गई और जब सलमान ऐश्वर्या को बताए बिना एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली खान के साथ अमेरिका चले गए तो इसके बाद सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता टूट गया। आप लोगों को बता दें इसी तरीके से जो कि आज हमें ये भी लव स्टोरी की कहानी सुनने या देखने को मिलते हैं। और आप लोगों को बता दें ना ही आज के रेट में सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे के ऊपर कभी भी कीचड़ उछालते हुए नहीं नज़र आते हैं। सलमान खान हमेशा से ही अभिषेक की तारीफ करते नज़र रहते हैं। आप लोग क्या कहना है इस पर, हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए।